चलिए तो हम एकांकी पर आ चुके हैं। एकांकी में देखते हैं इसकी परिभाषा। एकांकी ऐसी नाट्य विधा है जो एक अंक में रचित होती है, यहां पे अंत लिखा है अंक समझ लीजिएगा, एक अंक में रचित होती है। इसमें एक ही घटना तथा एक ही प्रभावान्विति होती है। ओके, अंक का मतलब होता है या एपिसोड। अंक का मतलब क्या होता है? एपिसोड। इसकी मैंने अभी आपको छोटी सी डेफिनेशन भी बताई थी, क्या थी वो, कि एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। ठीक है, ये आकार में छोटी होती है, अभी एक अंक की है, आकार में भी छोटी हो जाएगी। ओके, तो ये चीजें आप ये इसके डेफिनेशन में लिख सकते हो। क्लियर है? है ना। और जो एकांकी होती है अपनी, ये एक अंक पे रचित होती है भाई साहब। क्लियर? और आधे घंटे में समाप्त की जा सकती है। ये बातें हैं, बहुत सिंपल है एकांकी की डेफिनेशन। एक तो आप ये भी लिख सकते हो, एकांकी एक ऐसी नाट्य विधा है जो एक अंक में रचित होती है, इसमें एक ही घटना तथा एक ही प्रभावान्विति होती है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, क्या एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं, है ना। एकांकी एकांकी जो है वो एक अंक वाली होती है। ये अंक का मतलब आप समझेंगे एपिसोड से। ठीक है, बस इतना सा आप अपने माइंड में लर्न करने के लिए ये चीज को फिट कर लो कि एक अंक वाले नाटक को अपन एकांकी कहते हैं। ये आकार में छोटी होगी, ये आकार में छोटी होगी। इसके साथ ही साथ जो एकांकी होती है वो आधे घंटे में समाप्त की जा सकती है। ओके, चलिए इस पे ज्यादा आप समय नहीं देंगे, अपन बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। नाटक की परिभाषा, तत्व तथा नाटककारों एवं 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 उनके नाटकों के नाम लिखिए। नाटक की परिभाषा देख लीजिए, इसके अलावा तत्व, नाटककारों के नाम लिखना है और उनके नाटकों के नाम लिखना है। देखो यहां पे तो इतने सारे मैंने यहां पे मेंशन कर रखे हैं, लेकिन आपको इतने सारे याद करने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको दो याद होना चाहिए, बहुत है, सिर्फ दो याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले तो अपन नाटक की डेफिनेशन देखेंगे। नाटक दृश्य काव्य का एक भेद है ना। नाटक दृश्य काव्य का, दृश्य मतलब कि जिसको अपन देखते हैं। ठीक है, नाटक दृश्य काव्य का एक भेद है, इसमें रंगमंच पर पात्रों द्वारा किसी कथा का प्रदर्शन किया जाता है। उज्जवल चतुर्वेदी, ठीक है, इन्हें भी एडमिट कर लेते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है नाटक की, तो बहुत इजी आई अपने पास कि नाटक दृश्य काव्य का एक भेद है, इसमें रंगमंच पर पात्रों द्वारा किसी कथा का प्रदर्शन होता है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कई जगहों पर राम कथाएं चलती है, तो वहां पे क्या होता है, जो कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, और पूरी की पूरी रामायण वो इस तरीके से वहां पे अपने को दिखाते हैं। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पर। ये नाटक दृश्य काव्य का एक भेद है, इसमें रंगमंच पर पात्रों द्वारा किसी कथा का प्रदर्शन होता है। ओके, ये चीज है। और देख लो भाई, सब जो रामायण है वो एक अंक की नहीं होती है, इसलिए अपन उसको पूरा क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, नाटक बोल रहे हैं, है ना। नाटक के तत्व, इसके 6 तत्व होते हैं। 6 तत्व देख लीजिए, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य। देखो वही ट्रिक आपको यहां पे भी काम आएगी, या वही ट्रिक आपको यहां पे भी काम आएगी। वहां पे क्या हो रहा था कि कथा में चार संत, संवाद से अपन निकाल रहे हैं संत, देश वहां पे हो रहा था, वहां पे वातावरण था, है ना। कहां पे वातावरण था, कहां पे वातावरण था, कहानी में अपना वातावरण था। ठीक है, वातावरण पर अपनी भाषा में उद्देश्य दे गए, ये ट्रिक अपन ने देखी थी कहानी में। अब यहां पे कौन सी ट्रिक काम आएगी कि कथा में चार संत, देश काल पर अपनी भाषा में उद्देश्य दे गए। बस इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि जब बात कहानी की हो तो हम वातावरण लिखेंगे, नाटक किया जाती है तो हम देश काल लिखेंगे। क्लियर है ना सभी को? ओके, चलो आ जाते हैं अपन थोड़ा इसके नीचे। यहाँ पे हो गए अपने 6 तत्व। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है। अपने डेफिनेशन देख ली, इसके 6 तत्व देख लिए, अब नाटककार और उनके नाटक देख लेते हैं। देखो नाटककार और नाटक, वैसे तो यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं, आप 3 याद कीजिएगा, 3 याद करोगे, एक भूलोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, ये चीज होगी। तो पहला तो हो गया अपना भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका तो बहुत आसान है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र। ध्यान रखना है नाटक के अंदर अपन ये चीजें लिख रहे हैं, कोई कुछ कहना चाह रहा है। हाँ, माइक ऑफ कर लो फिर अपना। चलो मैं ही माइक ऑफ ऑफ कर देता हूँ सभी का, फिर अराउंड 10 मिनट बाद आप सभी को परमिशन दी जाएगी, जिससे आप माइक ऑन करके अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं। ठीक, तो देखो भैया नाटककार यहाँ पे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो हो सकता है सबकी अलग अलग चॉइस हो, किसी को
किसी और चीज, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले से याद होंगे दो तीन, तो वो वही याद रखें, है ना। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो उनके लिए सबसे आसान ये हो सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाटक क्या है, सत्य हरिश्चंद्र, ओके, और धर्मवीर भारती का अंधा युग, क्लियर है ना। ये दो चीज आपको याद रखनी है, इसके अलावा आप एक और याद कर लेना यार, इसका क्या फायदा रहेगा कि मान लो यार एग्जाम टाइम में अगर आप भूल जाते हो एक नाटक तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। उसके लिए आप क्या करो, जयशंकर प्रसाद का और याद कर लो, जयशंकर प्रसाद का क्या है, अजात शत्रु चंद्रगुप्त, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप सारे लिखो, दो ही लिख दोगे बहुत है, जयशंकर प्रसाद का अजात शत्रु और चंद्रगुप्त, ठीक है। तो नाटक की परिभाषा अपने देखी क्या होता है, नाटक एक दृश्य काव्य का भेद है, इसमें रंगमंच पर पात्रों द्वारा किसी कथा का प्रदर्शन होता है। पात्रों का मतलब होता है यार कास्टिंग, जैसे अपन देखते हैं ना मूवीज में क्या होता है कि कोई अक्षय कुमार किसी का रोल कर रहा होता है ना, इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम बत्रा का रोल कर रहा होता, तो ये क्या है, पात्र है ना, ठीक, ये चीजें हैं। और नाटक के तत्व देखेंगे अपन, क्या है, छह तत्व हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य, है ना। कथा में चार संत, कथा में चार संत देश काल पर अपनी भाषा में उद्देश्य दे गए। कहानी की बात आएगी तो आप यहाँ पे वातावरण पेल दोगे, कहाँ पे, देश काल की जगह पर। नाटककार देख सकते हैं अपन, नाटककार कौन कौन से, अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाटक सत्य हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती का बहुत आसान अंधा युग, है ना, जयशंकर प्रसाद का और याद कर लो, अजात शत्रु, है ना, और चंद्रगुप्त, ठीक है। चलो, कई बार क्या होता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द जैसी चीजें भी आती हैं, तो अजात शत्रु का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे, मैं माइक ऑन कर देता हूं सभी के, कोई भी मतलब ऑन करके बता सकता है, अजात शत्रु, अजात सर, शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। बहुत बढ़िया, बस यही है ना। ये चीजें होती हैं, कई बार इनके नंबर अपने को एक एक नंबर यूं ही मिल जाते हैं, तो अच्छी बात है ना यार, इन चीजों को आप लर्न करते रहा करो, लर्न क्या मतलब देखते रहा, देख भी लेते हो ना तो ये चीजें आपको याद रह जाती हैं। और देखो आ जाओ इधर, इसके अलावा जो आपके स्कूल वगैरह में जो टेस्ट होते हैं, अभी अब तो खैर स्कूल वगैरह खत्म हो गया, लेकिन चलो अब क्या ही मतलब आपको चीजें बताने से, आगे आ जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो गया, तीन प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए तथा उनके उपन्यास लिखिए। अब यहाँ पे अपने पास क्या गया, उपन्यास का आ चुका है, तो उपन्यास में हम क्या करना है, हमको क्या करना है, तीन याद करने हैं। तो तीन में देखो सबसे आसान लगता है अपने को प्रेमचंद जी का, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद, मैं भी थोड़ा माइक ऑन करवाता हूं, बताओ मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज जानते हो। यहाँ पे उपन्यासों की बात हो रही है और यहाँ पे प्रेमचंद का नाम आया है यहाँ पे चौथे नंबर पर, इनके कुछ यहाँ पे उपन्यास लिखे हैं, गबन, गोदान, सेवा सदन, तो कोई बताना चाहेगा मुंशी प्रेमचंद के बारे में, ठीक है, नहीं भी पता है कोई बात नहीं, मैं आपको बस यहाँ पे से एक चीज लर्न करवाना चाहता हूँ, एक चीज आपके माइंड में फिट करवाना चाहता हूँ कि होता क्या है, ऐसा होता है कई बार ऑब्जेक्टिव में ना पूछ लेते हैं कि उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उपन्यास सम्राट किन्हें माना गया है, फिर किसे कहते हैं, तो वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, किसको, मुंशी प्रेमचंद जी को, ओके। सो ये चीजें कई बार ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती हैं, है ना, या फिर ट्रू फॉल्स जैसी चीजों में आ जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी आ जाएगी, एमसीक्यू में पूछ लेंगे, कहीं पर भी आ जाएगी, कहीं पर भी पूछ सकते हैं, है ना, वो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन चीजों का थोड़ा अपने को नॉलेज होना चाहिए। लाला श्रीनिवास, परीक्षा गुरु, अब इनमें से जो भी आपको इजी लगे, इजी देखो एक तो ये है बालकृष्ण भट्ट जी का, सो अजान एक सुजान, सो अजान एक सुजान, है ना, बालकृष्ण भट्ट जी का कितना आसान है, सो अजान एक सुजान। एक प्रेमचंद जी का याद करेंगे आप, प्रेमचंद जी का क्या है, गबन, गोदान, सेवा सदन, ऐसा एक काम करो इस तरीके से याद करो उसको, बीच वाला ले लो पहले, गोदान गबन सेवा सदन, है ना, मंत्र की तरह इसको याद करो, गोबान गदन गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, ठीक है, अपने प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं गबन गोदान सेवा सदन, ठीक है। इतने से अगर आपको वहां पे मान लो यार तीन याद ना आए तो आप बिल्कुल एक दो भी लिख सकते हो, काम चल जाएगा। और देखो और एक यहां से आप याद कर सकते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी का मेला अचल, है ना, फणीश्वरनाथ रेणु जी का मेला अचल, क्योंकि इसका एक फायदा यह भी है कि अपन ने साथ फणीश्वरनाथ रेणु जी का लेखक परिचय भी पढ़ा था, उसमें भी अपन ने याद किया था प्रमुख रचनाएं में मेला अचल, ठीक है, तो ये चीज आपको वहां से लर्न रह जाएगी, फणीश्वरनाथ रेणु जी की मेला अचल और प्रति परिकथा, ओके, ये चीज तो आपको वहां से याद कर लेनी है। और यहां से आपको क्या उठाना है, बालकृष्ण भट्ट, सो अजान एक सुजान, सो अजान एक सुजान, और प्रेमचंद जी की उठा लो, गोदान गबन सेवा सदन, है ना, गबरू गोदान, गबरू गोदाम में सेवा कर रहा है,
ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसमें ट्रिक व्रिक की, आसान ही है। गोदान गबन सेवा सदन, ओके लिख लिया आप सभी ने। कोई भी आपके तीन फेवरेट उठा लीजिए, उनको लिख लीजिए। तीन फेवरेट यही हैं, और बालकृष्ण भट्ट बहुत आसान है, सो जाने एक सुजान, और एक मुंशी प्रेमचंद जी, और एक अपने फणीश्वरनाथ रेणु जी, है ना। इसके अलावा आप धर्मवीर भारती का भी कर सकते हैं, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, बिकॉज इनका भी अपन ने परिचय कर रखा है। ओके हो गया हो आप सभी का, तो हैंड रेस कर दो जिन्होंने भी लिख लिया हो, किन्हीं भी तीन उपन्यासकारों की रचनाएं। ठीक है, ओके ओके हैंड रेस आ चुके हैं सभी के, इट मीन्स आपने लिख लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद अपने को बताना है। अर्थ की दृष्टि से भैया वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो हम इतनी सारी बातें करते हैं, कई बार बातें अपन कई अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अलग अलग तरह के सेंटेंस यूज करते हैं। कभी कभी अपन नॉर्मल सी बात कर देते हैं कि जैसे कि राम मेरा दोस्त है ना, फिर बोलते हैं कि वो किसका दोस्त है यार, श्याम किसका दोस्त है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं अरे यार वो भाई वो दोस्त बन जाए तो फिर मजा ही बात है यार, मतलब ऐसी बातें अपन चीज करते रहते हैं, मतलब ओवरऑल सब कुछ डिफरेंट। फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई अपना दोस्त होता है और हम किसी एक नए दोस्त से मिलते हैं और पता चलता है कि उन दोनों की पहले से पहचान होती है, फिर अपन बोलते हैं अरे ये इसको तो जानता है, ऐसी चीजें होती है ना। बस वो सभी के सभी क्या हैं, वाक्य के भेद हैं अर्थ की दृष्टि से। तो देखो क्या क्या है, पहला आता है अपना विधानार्थक, मतलब विधिवाचक। इसका उदाहरण देखेंगे अपन, यह अच्छा आदमी है, यह अच्छा आदमी है। उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर जरूरी नहीं है कि आप वहां पे एग्जाम में उदाहरण लिखो, डायरेक्टली आप ये भी लिख दोगे तो बहुत है, लेकिन उदाहरण इनके ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। विधानार्थक मतलब नॉर्मल सा अपना सेंटेंस, ही अच्छा आदमी। प्रश्नार्थक यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आएगा क्या वह अच्छा आदमी है। इच्छार्थक मतलब इच्छावाचक, जहां से इच्छा प्रतीत होती हो कि यार वह अच्छा आदमी बने, ये मेरी इच्छा है कि यार वह अच्छा आदमी बने, है ना। आज्ञार्थक मतलब जब अपन आज्ञा दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, आदेश दे रहे हो कि इसे अच्छा आदमी बनाओ, है ना। विस्मयार्थक विस्मयवाचक, यहां पे बोलेंगे अरे ये तो अच्छा आदमी है, जैसे अरे जो शब्द आ जाता है यहां पे, फिर अपन ये लगाते हैं एक्सप्लेन, ये वाला सिंबल लगाते हैं अपन, ठीक है, विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं अपन, तो यह आ जाता अपना विस्मयार्थक वाचक शब्द के अंदर, ठीक है। निषेधार्थक मतलब नेगेटिव सेंटेंस, निषेधार्थक मतलब नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, नहीं ये अच्छा आदमी नहीं है। संदेहार्थक मतलब संदेह होना वहां पर, शायद ये अच्छा आदमी हो, है ना, संदेह अपने को कि पक्का नहीं है कि हाँ ये अच्छा आदमी है, हो सकता है शायद ये अच्छा आदमी हो। संकेतार्थक मतलब कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हो, जैसे कि यदि अच्छा आदमी होता तो बाकी जो भी प्रोसेस है वो अपन करवा लेते इधर आगे, ठीक है, जो भी इसको काम करवाना होता कि यदि अच्छा आदमी होता तो मैं इससे ये काम करवा लेता, वो करवा लेता, या फिर जो भी मैं इसको ये अपॉर्चुनिटी देता तो जो भी हेल्प करना वगैरह, अरे कुछ भी यहां पर जोड़ा जा सकता है, लेकिन अपने को काम बस इतने से था, ठीक है। इसको एक बार अपन फिर से देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आठ भेद होते हैं, कौन कौन से, विधानार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक, निषेधार्थक और संदेहार्थक और संकेतार्थक। आप ये नहीं याद करना चाहते आर्थक फार्थक, तो ये याद कर लो, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, ऐसे आपको अपने को याद नहीं होते। आपको ना बस वहां पे जाके जैसे आप कॉपी लेके बैठोगे तो आपको सोचना है, पहले तो नॉर्मल सेंटेंस होगा तो उसको आप क्या बोल दोगे, विधिवाचक, फिर मन में आएगा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है नहीं आ जाए, नहीं ठीक है सेंटेंस में नहीं आ जाता, नेगेटिव होता तो उसको आप क्या बोल दोगे, फिर हाँ ये निषेधवाचक है। फिर माइंड में आइडिया आएगा कि यार क्वेश्चन रिलेटेड हो तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, है ना। फिर आएगा यार आज्ञा दे रहे हो तो आज्ञावाचक हो जाएगा, फिर यार कुछ इच्छा प्रति अपना इच्छा प्रकट कर रहे हो तो इच्छावाचक हो जाएगा, है ना। फिर बोलेंगे विस्मयवाचक हो तो कि अरे ये तो तेरा दोस्त, अरे ये तेरा दोस्त है, तो क्या होगा, वो विस्मयवाचक हो जाएगा, है ना। कभी संदेह संदेह प्रकट हो रहा हो, है ना, संदेह जैसा शब्द निकले तब अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा शायद ये अच्छा आदमी हो, तब अपन क्या कहेंगे कि ये संदेहवाचक है ना। तो बस इस तरीके की चीजें हैं, यहाँ पे आठ भेद हैं वाक्य के, इनको अपने को लर्न कर लेना है। आई थिंक कईयों को तो याद हो भी गए होंगे, पूरे आठ नहीं होंगे तो अराउंड 5 से 6 तो सबके माइंड में फिट हो चुके हैं। अब जब आप इनको रिवाइज करोगे, एक दो बार इनको लिखोगे पढ़ोगे, तो आपके माइंड में बाकी के जो आठ मतलब जो बचे हुए हैं 2-3 वो भी आपको लर्न हो जाएंगे। 5-6 तो सभी को याद हो गए होंगे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और यार हाँ बहुत बढ़िया, लिख भी लिया आप सभी ने, ठीक है, तो फिर लिख लो जल्दी से, आज्ञार्थक है ना,
विधिवाचक, ये वाचक वाला मेरे ख्याल से और आसान रहेगा आप सभी के लिए, बिकॉज अपन बचपन से वाचक जैसी चीजें ज्यादा पढ़ते हुए हैं। अर्थक ज्यादा अर्थक नहीं पढ़ा अपन ने इतना, बहुत ही कम पढ़ा है। प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, ये शब्द हैं अपने पास, ठीक है। ये क्या है, ये वाक्य के भेद हैं। इन वाक्य के भेद में अपने पास ये सिर्फ 8 वर्ड्स हैं। कौन कौन से? विधिवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। ओके, चलिए तो फिर अपन आ जाते हैं आगे की ओर। संक्षेपण किसे कहते हैं? देखो संक्षेपण, संक्षेपण का अपन उत्तर पढ़ने से पहले, संक्षेपण का अपन उत्तर पढ़ने से पहले अपन इसकी एक यूं ही मैं आपको डायरेक्टली समझाना चाहूंगा। संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण को प्रिसीजन इंग्लिश में कहते हैं, प्रिसीजन इसको बोलते हैं, और प्रिसीजन के अलावा उसको अपन प्रेसी भी कहते हैं। उसको छोड़ो अभी, संक्षेपण का मतलब समझते हैं, संक्षेपण का मतलब समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास तुलसीकृत रामचरितमानस है वो अराउंड 700-800 पेजेस की होती है, ठीक है, 700-800 पेजेस की होती है। लेकिन जब हम छोटी छोटी क्लासेस में थे, जब हम छोटी छोटी क्लासेस में थे जैसे 5वीं 6वीं में, तो वहां पे क्या होता था, एक पार्ट आता था जिसमें अपन रामायण को, रामायण का पहला भाग मिलता था, और एक पार्ट आता था जिसमें रामायण का दूसरा भाग मिलता था। यानी कि क्या हो रहा है, जो रामायण है वैसे तो वो 700-800 पेज की है, लेकिन अपन छोटे रहते हैं उस टाइम पर, अपने माइंड में सारी चीजें फिट करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो क्या करते हैं इतना बड़ा बड़ा इतना बड़ा सारा मतलब इतना लंबा चौड़ा छोटी उम्र का बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो वो क्या करते हैं एकदम उसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो शॉर्ट में लिखते हैं, लिखना ही संक्षेपण होता है, ठीक है। अब इसका आकार, मूल अवतरण क्या होता है, जो इसका जो आकार होगा अपने संक्षेपण का, जो अपना मेन पैसेज है उससे 1/3 होगा, 1/3 होगा, है ना। जैसे मान लो अपना मेन पैसेज है 6 लाइन का, अपना मेन पैसेज है 6 लाइन का, तो आप जब उसका संक्षेपण लिखोगे तो वो कितनी लाइन का होगा, 2 लाइन का, ठीक है। वो 6 लाइन का है तो वो 2 का हो जाएगा। ओके, अब इसकी डेफिनेशन है, हमारे पास संक्षेपण किसे कहते हैं, एक समग्र भाव से पूर्ण का पुनः सर्जन, उसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त में लिखना, ठीक है। एक काम करो, इतना लमसम आप मत लिखो, एक समग्र भाव से पूर्ण, ये सब आप डायरेक्टली लिख लो। संक्षेपण का अर्थ होता है, संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त, है ना। उसको डबल डेज में लगा लेना, आप डबल इन्वर्टेड कोमा लगा लेना, इन्वर्टेड कोमा जानते हैं ना आप सभी, हम किसी शब्द को ऊपर से ऐसे पैक करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा आदमी, तो आदमी को मैं अगर यहाँ से पैक करता हूँ, यहाँ से ऊपर से, ठीक है, 2 कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा, तो उसको अपन कहते हैं इन्वर्टेड कोमा। ओके, चलिए, तो ये चीज है कि संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त। ओके, इसमें क्रमबद्धता यहाँ से लिखना है, फिर आपको इसमें क्रमबद्धता, स्पष्टता और प्रभाव होना आवश्यक है ना। ऐसा नहीं हो कि भयंकर रावण को, पहले रावण को मार दे, फिर उसके बाद में माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जो है वो खीर खा रही हूँ जन्म होने के लिए, ऐसे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रम से सारी की सारी चीजें चलनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और प्रवाह होना चाहिए, है ना। इसका आकार मूल अवतरण से 1/3 होता है। एक प्रकार से संक्षेपण मूल रचना का पुनः सर्जन है ना। वापस से अपन उसको लिखते हैं, जो मूल रचना है उसी का अपन वापस से लिखेंगे, लेकिन उसको शॉर्ट में करके। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो मेरे साथ में, ये संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त, ठीक है। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त। दिव्य डांगी ज्वाइन नाउ। ओके, संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त, और उसके बाद में आप यहां से लाइन एज इट इज लिख सकते हैं। इसमें क्रमबद्धता, स्पष्टता और प्रवाह होना आवश्यक है। इसका आकार मूल अवतरण का 1/3 होता है। एक प्रकार से संक्षेपण मूल रचना का पुनः सर्जन है। जैसे ही आप ये लिख लो, हैंडरेस कर देना, ताकि हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा की ओर प्रस्थान कर पाए। अजय बन्ना ने लिख लिया है, देवेश सिंह ने लिख लिया है, उज्जवल ने लिख लिया है। ओके, अब देखो जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी लिख लो फटाफट, और बाकी अभी मैं आपसे कुछ पूछवाऊंगा यहीं पे राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में, तो जिनको भी थोड़ा बहुत पता है वापस अपने माइंड में थोड़ा सा चाबी वाबी घुमाओ, और कोशिश करो कि आपके माइंड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको आप निकाल पाओ अभी थोड़ी देर बाद जब मैं पूछूं, ठीक है। बिकॉज अगर आपको पता रहता है ना, तो आप डायरेक्टली हैंडरेस जैसे ही करते हो वैसे ही बता दिया करो माइक ऑन करके, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो आ चुका है अपने पास राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट करने वाला प्रश्न। तो किस किस को पता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में? हैंडरेस करेंगे आकाश, प्रांजल,
और उज्जवल दीपक, जतिन निशु आयुष, ओके कईयों को पता है। तो 2 मिनट में लिखता हूं किससे पूछा जाना चाहिए आज। शायद कोई हर्ष था ना यहां पर, शायद कोई हर्ष था, हर्ष यादव। हाँ आप बताएंगे राजभाषा राष्ट्रभाषा के बारे में। आपने माइक ऑन नहीं, हैंड रेस किया था। ओके उस टाइम मैंने देखा था, और बिकॉज आपसे पहले कभी क्वेश्चन नहीं किया गया है क्योंकि आपने हैंड रेस नहीं किया होगा, सो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि आप ही बताएं। लेकिन आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो अब कौन हैंड रेस करना चाहता है? मतलब वापस से हैंड लोअर करके वापस से हैंड रेस कर दो ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ ये इंटरेस्टेड है फिलहाल बताने में। हाँ देखो आयुष भी कर रहे हैं, जतिन भी कर रहे हैं, वैभव भी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर जतिन बार बार हैंड रेस करते हुए दिखे थे। तो जतिन आप बताइए। जतिन अब माइक ऑन करके जल्दी से बता दीजिए क्या होती है राजभाषा, क्या होती है राष्ट्रभाषा। सभी बताना चाहते हैं आज तो, कई सारे उज्जवल चौधरी, आकाश, आयुष। सर माइक ऑन कर दीजिए। ओके 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 सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है मैं, अच्छा वो आपने चैट बॉक्स में बता दिया। ये लीजिए माइक ऑन है आपका, बताओ सर, जतिन। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है, और देखो राष्ट्रभाषा क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज क्षेत्र विशेष में पता है भाषा क्षेत्र की भाषा नहीं होती है, वहां पे क्षेत्रीय शब्द होते हैं, मतलब जो बोली रहती है उसमें से अपन कुछ शब्द निकालते हैं। ठीक है ठीक है, अगर आप बताना चाह रहे हैं बताएं, और बताएं। और राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है तथा इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। ठीक है ओके, अब आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। कोई ऐसा है जो अपनी भाषा में इसका आंसर कर सकता है, लैंग्वेज अपनी बुक की भाषा में नहीं बल्कि अपनी भाषा में इसको एक्सप्लेन कर सकता है? ठीक है आकाश आप बताइए। सर राष्ट्रभाषा अन्य देशों में संपर्क स्थापित करती है और राजभाषा अन्य राज्यों में संपर्क करती है। है ना, ठीक है। वैभव जैन आप कुछ बताना चाहेंगे राजभाषा राष्ट्रभाषा के बारे में? देवेश सोच रहे होंगे कि आज मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा यार, कब से इंटरेस्ट कर रखा है। ठीक है देवेश आप बताइए। सर जो राजभाषा रहती है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिपेंडेंट रहती है, और जो राष्ट्रभाषा रहती है वो एक पूरे राष्ट्र को लेके चलती है साथ में, तो ठीक है, भाषा के तौर पे। बहुत बड़ी अच्छी बात है। हाँ सही है। देखो यार अपने इंडिया में ना कई सारी भाषाएं बोली जाती है, कई सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन फिर भी सरकारी कामकाज के लिए हमें एक भाषा रखनी पड़ती है। ठीक है, तो वो अपने जो देश की जो राजभाषा है उसको अपन कहते हैं हिंदी। ठीक है, अपने देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ओके राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे देश में, राजभाषा है वो है हिंदी। और जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं वो राजभाषा के द्वारा किए जाते हैं, सरकारी कामकाज जितने भी है। जैसे मान लो यार बिहार, वहां पे भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट वर्क्स हैं, जो भी सरकारी कामकाज है, वहां पर क्या चीज चलती है, वहां पे हिंदी चलती है। ऐसा थोड़ी कि पूरी जो भी आप शपथ पत्र बनवा रहे हो, जो भी कार्ड वगैरह बनवा रहे हो, वो आपको उसमें देखने को मिले क्या कहते हैं अपने भोजपुरी में, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो राजभाषा क्या होगी, सरकारी कामकाज की भाषा होगी। और राष्ट्रभाषा क्या होती है, संविधान द्वारा स्वीकृत, संविधान में लिखी हुई रहेगी, ये पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं ना ये चीज। हाँ हिंदी अपनी मदर टंग जरूर है, मातृभाषा जरूर कह सकते हैं अपन, लेकिन राष्ट्रभाषा उसे नहीं कह पाएंगे, राजभाषा जरूर कह सकते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक होता है यार, राष्ट्रभाषा का क्षेत्र व्यापक यानी कि बहुत ज्यादा वाइड होता है ना, व्यापक होता है, व्यापक मतलब बहुत ज्यादा एरिया ज्यादा होना। इसका क्षेत्र सीमित होता है, सीमित होना मतलब कम होना। ठीक है, यह अन्य देशों से संपर्क स्थापित करती है, दूसरे देशों से भी संपर्क स्थापित करती है, यह दूसरे देशों से नहीं बल्कि राज्यों से संपर्क स्थापित कर सकती है। जैसे तेलुगु वगैरह हो गई, अपनी बंगाली हो गई, तो यह क्या करेंगे, आइट साइड के राज्यों से कनेक्ट कर सकती है। लेकिन जैसे इंग्लिश हो गई, और इसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, ये क्या करेंगी, दूसरे देशों से कनेक्ट करेंगी। ओके तो ये चीज है, इसके अंदर आप ज्यादा ना जाएं, इतना इनफ रहेगा। हो सकता है आपसे वो सिर्फ इतना पूछ लें कि राष्ट्रभाषा को परिभाषित कीजिए, फिर राजभाषा को परिभाषित कीजिए, है
है ना। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई तीन अंतर बताइए, तो तब आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं भाई साहब, इसको एक काम करो, लिख लो अपनी कॉपी में फटाफट से, यही आंसर आप एसडीडीस लिख दीजिएगा, आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे, और क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। राजभाषा राष्ट्रभाषा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट सभी बच्चे। विनय गौरव की आवाज नहीं आ रही है भाई, क्या बात है। हाँ सर लिख रहा हूँ हाँ लिखो लिखो यार, सर। तुम्हारी आवाज सुनने का मन करता है हमारा तो। सर हाँ कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये जो राष्ट्रभाषा है ना परीक्षा बोर्ड में बहुत बड़े इसमें भी दे रखा है, बाकी इसमें हिंदी के बारे में भी लिखा गया कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, बाकी वो तो है ही नहीं, तो वो कट कर देखो सकते हैं पूरी ऐसा लाइन। है, हिंदी ना अपने अपने देश में ज्यादातर लोगों द्वारा बोली बोली जाती है, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। लेकिन अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो आई थिंक सही नहीं होगा, इसी तरीके से अगर आप आंसर करेंगे तो वो बेहतर होगा, ठीक है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ओके। आई थिंक अब आप सभी ने लिख लिया होगा, आप सभी ने लिख लिया होगा, तो बढ़ेंगे अपन थोड़ा आगे की ओर। नहीं लिखा है तो वैसे आपके आपके पास इसकी पीडीएफ है, जैसे ही अपनी क्लास खत्म होना पूरी की पूरी चीज एकदम रिवाइज कर लेना, बिकॉज शाम को जो क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का इतिहास, उससे हमारे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, एज वेल एज 2 मार्कर्स भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो उसको आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। इसके लिए प्रिपरेशन आपको क्या करनी होगी, प्रिपरेशन ये करनी होगी कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसको एकदम बढ़िया तरीके से अपने माइंड में फिट कर लें कि हाँ भाई हमारे इतने नंबर तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, है ना। ओके अब देखो जो अपठित गद्यांश वद्यांश होते हैं वो 3 नंबर के आते हैं, तो वो आप इजीली कर पाओगे, उनकी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये अपन ने पढ़ रखा है मुहावरा और लोकोक्ति, मुहावरे और लोकोक्ति बहुत आसान है भैया। मुहावरे और लोकोक्ति में देखो अंतर, अंतर क्या है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, मतलब एक पूरा सेंटेंस होगा उसमें से हम एक छोटा सा अंश ले लेंगे, पूरे वाक्य में से एक छोटा सा अंश ले लेंगे, उसको अपन ने क्या बोल दिया, वाक्यांश, ठीक है, मुहावरा एक वाक्यांश है। बल्कि जो लोकोक्ति है वो क्या है, पूर्ण वाक्य है, लोकोक्ति क्या है, पूर्ण वाक्य है। कैसे कैसे होगा ये होगा ऐसे कि जैसे मानो चलो अपन ऊपर चलते थोड़ा, चलो इसके पहले पूरे तीनों के दोनों डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में ऊपर चलेंगे और फिर वापस यहां पर आएंगे। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र वाक्यांश के रूप में नहीं हो सकता, लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र हो सकता है, इसके अलावा मुहावरे के अंत में ना का प्रयोग होता है, लोकोक्ति में यह आवश्यक नहीं। जैसे मैंने कहा है अंधे की बूढ़े सॉरी हाँ अंधे की लाठी होना, तो उसमें यहां पर ना आ जाता है ना, आग बबूला होना तो ना आ जाता है, ऐसा यहां पर लोकोक्ति में नहीं है। तो चलते हैं अपन जहां पे अपने मुहावरे पढ़े थे वहां पे देखेंगे कि ये वाक्यांश है और ये पूर्ण वाक्य है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, कहाँ गए अपन, ये रहे मुहावरे अपने, ठीक है। तो ये देखो सबके आप आपको सबके तो नहीं गए, लेकिन कई सारे ऐसे मुहावरे रहेंगे जहां पे आपको लास्ट में ना देखने को मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा अंधे की लाठी, तो इसके आगे भी ना आता, कैसे आता, अंधे की लाठी होना, है ना, अंगूठा दिखाना, आंखें फेरना, आंच ना आने देना, आंख दिखाना, तो इसके लास्ट में क्या जाता, ना आ जाता है, ऐसा लोकोक्तियों में नहीं होता है। ओके इसके अलावा देखो ये होते हैं सिर्फ वाक्यांश, ये क्या होंगे, वाक्यांश। वही जो लोकोक्तियां होती है वो पूरा का पूरा वाक्य होता है, ठीक है। जैसे आप लोकोक्ति का एग्जाम्पल दीजिए, देवेश सिंह लोकोक्ति का एक एग्जाम्पल बताओ, सर लोकोक्ति का एग्जाम्पल तो नहीं किसको पता है, कौन है जो 3 से 4 लोकोक्तियां यहां पर बता सकता है, अभी हैंड रेज करके बताएंगे मुझे, कौन है यहां पर स्टूडेंट जो मुझे 3 या 4 लोकोक्तियों के एग्जाम्पल दे सकते हैं। पता। इसकी लाइट अरे माइक माइक ऑफ कर लो यार, सभी माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। लोकोक्ति यार, लोकोक्ति भी अपने मुहावरे से थोड़ी डिफरेंट होती है, जहां मुहावरे की बात करते हैं अपन तो मुहावरा जो है अपना एक वाक्यांश रहेगा, एक छोटा सा, यानी कि मान लीजिए आप एक सेंटेंस है उसमें से अपन एक वाक्य उठा लेते हैं, छोटो वाक्य पूरा नहीं उठाएंगे, अंश उठाएंगे उसमें से, ठीक है। अब जो हमारे लोकोक्तियां होती है जैसे कि एक अनार सौ बीमार, है ना, ये क्या होती है, अपनी लोकोक्तियां होती है। ओके सर काला चक बराबर सर हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इनके लास्ट में ना आना एक इसका मयान कोई में दो आवश्यक नहीं तलवार, है। ओके एक मयान में दो तलवार। अरे बहुत बढ़िया, अपनी करनी पार उतरनी, अपन जैसी करनी वैसी भरनी है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज तो क्लियर हो रही होगी, इसके आगे और अपन आगे बढ़ते हैं।
ना आ जाता है, और जो मुहावरा होगा वो हमारा वाक्यांश होगा, लोकोक्ति जो है पूरा का पूरा वाक्य बन जाती है। इसके अलावा इसका स्वतंत्र वाक्यांश के रूप में मैं नहीं प्रयोग कर सकते अपन, कहीं ना कहीं जो वाक्य वगैरह रहता है मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र वाक्यांश के रूप में नहीं हो सकता। मतलब कुछ ना कुछ जो वाक्य वगैरह है अपना उसके टर्म में अपन बात करते हैं, जैसे मैं किसी बातचीत कर रहा हूं तो वहीं पे मुहावरे का मैं प्रयोग कर सकता हूँ, है ना, किसी ना किसी अलग कॉन्टेक्स्ट के रूप में मैं इसका प्रयोग करूंगा, है ना, इसका अपन यू भी कर सकते हैं। चलिए मुद्रित माध्यमों, मुद्रित माध्यमों से आप क्या समझते हैं, किसी को पता है मुद्रित माध्यम क्या होते हैं, मुद्रित माध्यम क्या होते हैं, मुद्रित माध्यम यानी कि यार जैसे मान लीजिए अपना समाचार पत्र हो गया, ठीक है, पत्रिकाएं हो गई, है ना, अखबार पुस्तकें, ये सभी क्या है, मुद्रित माध्यम है। तो मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें कौन सी हैं, कौन सी हैं, देखो नीचे लिखी हुई है। आप मान लीजिए एक जर्नलिस्ट बन चुके हैं, है ना, जो कि न्यूज वगैरह लिखने का काम कर रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना होगा, बात इन बातों का ध्यान देना होगा कि लेखन में भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले क्या है, भाषा, वर्तनी और व्याकरण। वर्तनी का मतलब समझते हैं आप, माइक तो बंद नहीं कर रखे मैंने आपके, नो सर, नो नहीं ये माइक तो ठीक है, सर, ऑन है, ठीक है, तो वर्तनी का मतलब आप समझते चालू, हैं। नो सर, नो सर मुझे कुछ पूछना सर, हाँ, इसी से रिलेटेड है आपको पूछना कुछ, नो सर, वो मीटिंग कब तक चलेगी, क्योंकि भाई को थोड़ा काम से जाना था। एक्सप्लेनेशन। तो देखिए अभी थोड़ी देर बाद आई थिंक अभी 10:22 हो रहे हैं, तो अराउंड 10 से 15 मिनट और क्लास चल सकती है अभी, तो बिकॉज आज ये जो सर, टाइम है डॉक्टर ना मतलब भाषा बहुत ही एक्सप्लेनेशन कंप्लीट क्या है, करना है हमें। हाँ बोलो। यस सर, ठीक, एक्सप्लेनेशन, क्या कह रहे हैं आप, एक्सप्लेनेशन। यस सर, बर्थनी का मतलब, कुछ नहीं यार, जैसे आपने इंग्लिश में जो स्पेलिंग टाइप जैसी चीजें होती है ना, उसको अपन हिंदी में वर्तनी जैसी चीज कह सकते हैं कि यार जो आप लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए, ओके, कुछ भी जी आपकी सर, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ेंगे। सर आप इसकी वीडियो डाल देंगे हाँ क्या? हाँ बिल्कुल, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, तो मैं हाँ हाँ बिल्कुल, आप जाऊं? चेक कर लीजिए। इसके आगे देखो, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। समय सीमा यानी कि यार आपको डेफिनेट इतने टाइम में लिखना होता है, इतने टाइम के अलावा आपको जगह दे दी जाती है कि भाई इतने इतने पोर्शन में आपको लिखना है, तो आपको उस चीज का भी डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, ठीक है, समय सीमा और आवंटित जगह, ठीक। इसके बाद में देखो, लेखन में सहज प्रभाव के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। तारतम्यता मतलब यार एकदम जुड़े रहना, संपर्क में रहना, है ना, कई बार ऐसा होता है कि स्टोरी चलते चलते पता नहीं कुछ अलग ही बातें आ जाती हैं, तो उससे क्या होता है, जो पढ़ने वाला रहता है व्यक्ति, जो पाठक रहता है, उसका मन नहीं करता फिर पढ़ने का। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि तारतम्यता बनाए रहना जरूरी है, संपर्क में बने रहें, ठीक है, इंटरेस्टिंग उसको बनाते जाएं। चलो ये चीजें हैं, एक काम कर लो, इसको नोट कर लो आप सभी, सर फर्स्ट नोट कर लो वाला आप एक और सभी। बार बता दीजिए प्लीज। लेखन में देखो, भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना जरूरी है ना, भाषा सही होनी चाहिए, वर्तनी सही होनी चाहिए, व्याकरण में गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ओके, शैली, इन सभी का अपने को ध्यान रखना चाहिए। ये तो एकदम सबसे इजी रहेगा मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला, तो कि भाषा, वर्तनी, व्याकरण कुल मिला के गलत नहीं होना चाहिए, आप सही लिखो, सही लिखने के बाद में टाइम और जगह का ध्यान रखो कि इतने टाइम में लिखना है, इतनी जगह में लिखना है, ओके। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखो कि पाठक का इंटरेस्ट बना रहे, यानी कि तारतम्यता बनाए बनी रहनी चाहिए उसमें, ओके। तो इस तरीके से तो शॉर्ट नोट बनते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है भाषा, वर्तनी, व्याकरण, तो इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो कि सही होना चाहिए, भाई बिल्कुल भी एकदम सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए जो आप लिख रहे हो। उसके बाद में क्या है, समय सीमा, ये अपने को टाइम और प्लेस से रिलेटेड आ गया है ना, तो टाइम एंड स्पेस आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इतने समय में इतनी जगह में अपने को लिखना है ना, समय और स्पेस, ताकि आपको याद रहे ये चीजें। एग्जाम टाइम में यार ऐसा होता है कि जब एग्जाम से 2-3 घंटे पहले आप पढ़ने बैठते हो तो मोटे मोटे नोट्स काम के नहीं आते हैं, जो आपके छोटे छोटे नोट्स हैं वो काम में आते हैं। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना जरूरी, तो आप डायरेक्टली लिखोगे टाइम एंड स्पेस, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दोगे इंटरेस्ट, क्या है, इंटरेस्ट बना रहे, तारतम्यता बनी रहे, है ना, या फिर आप तारतम्यता लिख लो, सहज प्रभाव के लिए सर, तारतम्यता बनाए रखना सर, जरूरी है, ओके। इसके बाद सर, जो अगला क्वेश्चन है, ये आपको हो सकता है खत्म लग रहा हो, पूरा फिनिश लप्पू लग रहा हो ये, लेकिन पता है ये लास्ट ईयर आया था, एग्जाम में आया था। समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती, कई सारे बच्चों ने इसका यार उत्तर कौन नहीं लिखा सा बिकॉज उनको पता ही नहीं था यार क्या लिखना है, कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन
थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप वो बच्चे दिमाग लगाते हैं तो पाते कि यार कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चन से उन्हीं के आंसर करेंगे, क्वेश्चन किस तरह के होंगे, ये क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ठीक है, इस तरीके के सवाल होंगे जिनके अपने समाचार लेखन में जवाब देने की कोशिश की जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, खबर क्या छप रही है, जैसे अभी कुछ, अभी तो वैसे हम आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में लगे हुए हैं आपकी, लेकिन फिर भी आज पता लगा हमको कुछ न्यूज में धमाके की न्यूज चल रही है, वो मर्डर वर्डर का कुछ केस चल रहा है, तो क्या चल रहा है वो चीज यहाँ पर बता दी जाती है। फिर वो है कौन एक्चुअली, व्यक्ति कौन है, तो उसका नाम शायद कुछ उमेश पाल वगैरह है, कहाँ है भैया, यूपी से है, ठीक है, कब की बात है, तो वो तो मुझे भी नहीं पता, बाकी न्यूज अभी अभी ये तो रिसेंटली रिसेंट बात हुई है ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें अपने को देखने को मिलती है समाचार लेखन में। सर हाँ सर ये टाल टमाटा का मतलब क्या होता है सर? लेखन में सेज प्रभाव के हाँ लिए ताल टाल टम्बे का टमाटा। मतलब संपर्क बने रहना, जुड़े रहना, कि यार जो पाठक है उनसे जुड़ा रहे, है ओके। तो ये चीजें हैं, आप मतलब अभी यही लिख रहे थे, तो समाचार लेखन देख लो आप। यस सर। हाँ, ओके समाचार लेखन पर आ जाओ। समाचार लेखन में मुख्यतः किन छह सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, कौन कौन से छह सवाल हैं वो देखते हैं अपन। समाचार लेखन में मुख्यतः निम्नलिखित छह सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, कौन कौन से, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ठीक है, ये छह सवाल हैं, इनके जवाब देने की कोशिश की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया कि अभी कुछ उमेश पाल का कुछ केसेस चल रहा है, तो क्या न्यूज चल रही है, वैसे कुछ मर्डर की न्यूज चल रही है ना, इसके अलावा कौन है वो उमेश पाल है, इसके अलावा कहाँ की न्यूज है, यूपी की न्यूज है, ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पर, ओके। तो बस इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है समाचार लेखन में। तो ऐसा करो, लिख लो इसको भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैथ सब्जेक्ट किस किस का है इनमें से, मैथ कईयों का है, प्रांजल, दुष्यंत, रोनित, मोहित, ठीक है, देवेश, कईयों का है, बढ़िया है, ओके। सो मैथ्स की प्रिपरेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी की प्रिपरेशन चल रही सही साठ, सर? मुझे है मोहित को है, मैथोरिटी को नहीं है, यस सर। मतलब मुझे भी है सर। प्रांजल को सर बायो के लिए। भी बायो के लिए ना यार, अभी थोड़ा फैकल्टी का इश्यू रहता है हमारे पास, सो दैट्स व्हाई बायो का हम कुछ सर मैथ्स प्रोवाइड के करा, लिए हाँ बायो की क्लासेस जैसी चीजें प्रोवाइड कराने में हम थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं, और लेकिन मैथ्स के लिए सही, सर। करते रहेंगे, माँ शारदे का आशीर्वाद बना रहेगा, तो अपन नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे उनके लिए बायो की चीजें भी, बायो की फैकल्टीज भी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, बायो के सब्जेक्ट्स भी उन्हें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अभी तो यार थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन कोशिश करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाए, है ना, और आपकी सर मैथ्स प्रिपरेशन के को लिए। इजी कर पाए। चलो आते हैं अपन थोड़ा आगे। सर मैथ्स तो पढ़ा दोगे ना आप? हाँ, मैथ्स बिल्कुल पढ़ाने की पूरी प्लानिंग चल रही है हमारी, देखते हैं मैथ्स में क्या होता है, ऑनलाइन क्लास की जाती है या फिर सिर्फ आपको डायरेक्टली यूट्यूब पर ही पढ़ा दिए जाएंगे हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। अब और सर देखो आगे सर जाओ, फिजिक्स क्लासेस कब शांति बनाए रखो, लगेंगी? शांति बनाए रखो, ये हो गया अपना 48 क्वेश्चन। ये आगे क्या कविता में बिंब और छंद के महत्व को समझाकर लिखिए। सर? बिंब और छंद का महत्व तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एक बार इसको सिर्फ पढ़ लेना है अपने को, एक बार सब सभी बच्चे इसको सिर्फ पढ़ लो, ठीक है, पढ़ने के बाद में जब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा आसान होगा, है ना, पढ़ेंगे इसको सभी बच्चे, लिखना है इसको बाद में है, सिर्फ पढ़ना है इसको। कविता लेखन में बिंब और छंद के महत्व को समझाकर लिखिए। तो देखो भैया क्या है, कविता लेखन में बिंब और छंद का महत्व बड़ा होता है ना, छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं, लय है ना, फ्लो, छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं, कि मतलब ये छंद जो है वो है राग है, लय है, राग है ना, और बिंब कविता के भाव को इंद्रियों की सहायता से पकड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। बिंब क्या करते हैं भैया, जो भी कविता के भाव है, अपनी जो भी इंद्रियां हैं, जो भी अपने इंद्रियां, तो आप समझते होंगे इंद्रियां हैं, हम क्या करते हैं उससे उन चीजों को समझ पाते हैं, जो भी उस चीज का जो भी भाव है उसको अगर अपन समझ पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से होता है, वो बिंब की वजह से होता है, ठीक है। तो ये लाइन आप इतनी सी लर्न कीजिए, लर्न करने की कोशिश करें, ये तो बड़ा महत्व है, ये तो ईजी है, फिर इसके बाद में इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे कि छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं, आंतरिक लय होते हैं कविता के, ओके, और बिंब क्या होते हैं, वो होते हैं कविता के भाव को इंद्रियों की सहायता से पकड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं, ठीक है, इंद्रियों की सहायता से
कविता के भाव को पकड़ने में कौन सिद्ध होंगे, कौन सहायक सिद्ध होंगे? अपने बिंब। इतनी सी बात है, इसको आप जब 2-3 बार लर्न करने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, हम ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, इतना पूरा का पूरा कोई जरूरत नहीं इसकी। लेकिन फिर भी इसको पढ़ जरूर लेना पूरा, ताकि यहां से आपको एक दो लाइन ऐसी रहेंगी जो याद रहेंगे, तो आप अपने आंसर में लिख देना। और क्या है, इतना अगर अपन पढ़ोगे, जैसे आप वैसे तो आप इतना कर लो, उभरने लगते हैं, यहां तक कर लीजिए, अनुभूति करने लगते हैं। इसके बाद में इसको आप इतना पढ़ोगे, तो इनमें से एक ना एक सेंटेंस तो उठा के आप लिख ही दोगे, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो इसको लिखना भी स्टार्ट कर दो। कविता लेखन में बिंब और छंद का बड़ा महत्व होता है। छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं, राग होते हैं ना। और बिंब क्या होते हैं? बिंब वो होते हैं भैया जिनकी सहायता से कविता के भाव को सॉरी जिनकी सहायता से और इंद्रियों की सहायता से कविता के भाव को पकड़ा जा सके। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी आपने लिखा नहीं होगा मेरे ख्याल से, लिख लो इसको फटाफट। कविता लेखन में बिंब और छंद का बड़ा महत्व होता है। छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं। देखो ये चीजें ना अपन उसमें भी पढ़ेंगे, छंद रस अलंकार वगैरह, जब ग्रामर का पोर्शन आएगा। बस अभी थोड़ा सा अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसको कोशिश कर लेते हैं कि इसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लें अपन। ठीक, कविता लेखन में बिंब और छंद का बड़ा महत्व होता है, ये तो बहुत सिंपल सी चीजें लिख लेंगे कोई भी। छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं, बस इतना ध्यान रखो कि छंद जो है कविता के आंतरिक लय हैं, और बिंब कविता के भाव को इंद्रियों की सहायता से पकड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कैटलिस्ट होते हैं केमिस्ट्री में, वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, उसी तरीके से यहां पर जो बिंब है कविता के भाव को इंद्रियों की सहायता से पकड़ने में हेल्पफुल साबित होंगे। ओके, यहां पे आ जाओ। कविता के भावों को समझने के लिए इंद्रिया ही सबसे सुलभ साधन होती है ना। कविता के भावों को समझने के लिए इंद्रिया ही सबसे सुलभ साधन होती है। इंद्रिया ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे अपनी नाक है, वहां से अपन सांस लेते हैं, फिर सूंघते हैं किसी चीज को, खुशबू आती है, बदबू आती है, चीज अपने को पता लगती है ना, सुनना देखना, ये सब क्या है, इंद्रिया। ठीक, तो यही सबसे सुलभ साधन होती है। इसके अलावा आगे देखते हैं अपन, हमारी जो बाहरी संवेदनाएं होती है वह हमारे मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। ओके, जब हम किसी कविता का पठन वाचन या श्रवण करते हैं, तो कविता में प्रयुक्त कुछ विशेष शब्दों को सुनकर हमारे मन में कुछ चित्र उभरने लगते हैं। जी हाँ, ऐसा होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, आप किसी कविता सुन रहे हो, या फिर कविता का एग्जाम्पल ले लेते, किसी ने देशभक्ति आपको कविता सुनाई, जैसे कि मैंने एक, वैसे तो मैं कोई पोइट मतलब पोइट वगैरह हूं नहीं, ना कुछ कविता वगैरह में इंटरेस्ट तो है, अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कविता वगैरह लिखता रहता हूँ। बाकी अपना जो ब्लैक डे आया था 14 फरवरी, उस दिन मैंने शायद कुछ ना कुछ लिखा था छोटा सा। ओके, तो उसको जब अपन पढ़ेंगे या फिर उसको जब सुनेंगे, तो उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीजें, आपके माइंड में पिक्चर बनने लग जाती है, कि यार कुछ ऐसा सा इमेज बनने लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सुनाना चाहूँ यहाँ पे आपको, तो आई थिंक मेरे पास उसका वीडियो भी है, तो आपको वहीं से सुना देता हूं मैं। तो यहां से आपको क्या होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलेगा, आप ही मुझे बताना कि आपके माइंड में उससे इमेजेस बन रही है कि नहीं बन रही। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वीडियो में यहां पे नहीं लगा रहा हूं मैं, सिर्फ ऑडियो सुनाई देगा आपको, लेकिन ऑडियो से ही आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि हाँ वहीं से चीजें बनने लगती है। 14 फरवरी, ये वो दिन है जब माँ भारती ने अपने 44 वीर सपूतों को खोया था। ये वो दिन है जब बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस देश का हर एक शख्स रोया था। क्या बीती होगी उन माता पिता पर जिन्होंने अपने फूल से बेटे पर लोगों को फूल चढ़ाते देखा था। क्या बीती होगी उस बहन पर जिसने अपने प्यारे भाई को तिरंगे में लिपटे हुए देखा था। सोचो यार, क्या बीतती होगी उस बच्चे पर जिसने जन्म लेने से पहले ही अपने पिता को खो दिया था। और माना ये मोहब्बत वाला दिन है यारों, माना ये मोहब्बत वाला दिन है यारों, लेकिन उनका क्या जिन्होंने मोहब्बत वाले दिन ही अपने सुहाग को खोया था। जिन्होंने मोहब्बत वाले दिन ही अपने सुहाग को खोया था। और यार हमें तो फरवरी आते ही मोहब्बत वाले दिन याद आते हैं, लेकिन सच तो ये है यारों कि जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए, हम उन शहीदों को भूल जाते हैं, हम उन शहीदों को भूल जाते हैं। ओके,
किस किस के माइंड में कुछ चीजें इमेजेस बनने लगी थी, हैंड रेस करेंगे या फिर माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। ओके, सभी के साथ हुआ यस लगभग, सर बनी थी। है ना? तो ये चीजें होती है, तो ये सर ये आपका तो जो पुलवामा प्रीवियस। अटैक का है ना, हाँ ये तो पुलवामा अटैक का है ना सर, हाँ जो पुलवामा चौदह का। तारीख को हुआ था, 14। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वैसे हमें कविता का इतना शौक है, अच्छी लगती है, लेकिन हम कभी लिखे नहीं है। ये पहली बार था जब हमने कुछ ट्राई किया था इस तरीके से, बिकॉज जो अपने हार्ट में फीलिंग्स रहती है उस चीज को अपन लिख सकते हैं, और मैंने उसको माध्यम बनाया था कविता का थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि जब हम किसी कविता का पठन, वाचन या श्रवण, आपने क्या क्या किया था अभी, श्रवण किया था है ना, श्रवण करते हैं, तो कविता में प्रयुक्त कुछ विशेष शब्दों को सुनकर, विशेष शब्दों को सुनकर, जैसे तिरंगे में लिपट कर, तो उन शब्दों को सुनकर क्या होता है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चित्र उभरने लगेंगे, बस। ओके, ये चीज यहां से अपने को समझ में आ गई। ओके, अब देखो, यह चित्र ही बिंब होते हैं, इन्हीं को अपन क्या कहेंगे, बिंब कहेंगे, और यही स्मृति चित्रों यानी बिंबों के सहारे कविता के भावों को समझ पाते हैं। ठीक है, कविता के भावों को अपन समझ पाएंगे इन्हीं चित्रों के सहारे, और कविता में स्वयं की अनुभूति करने लगते हैं। ठीक है, अब ये जो आगे की लाइन है इसको भी आप पढ़ लेना, इसमें से आप कुछ ना कुछ शब्द जरूर लिख पाओगे। वहां पे छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं, इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं यार, इतना इनफ रहेगा। बट अभी यहां तक हमने सिर्फ बिंब के बारे में लिखा है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे यहाँ पे छंद के बारे में भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसा कीजिएगा आप, जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट बताता हूँ क्या करना। जैसे ये लाइन तो आप लिख ही लोगे, कविता लेखन में बिंब और छंद का बड़ा महत्व होता है, छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं, और बिंब कविता के भाव को इंद्रियों की सहायता से पकड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पे आना, जब हम से लेकर, जब हम किसी कविता का पठन वाचन या श्रवण करते हैं, तो कविता में प्रयुक्त कुछ विशेष शब्दों को सुनकर हमारे मन में कुछ चित्र उभरने लगते हैं, है ना, यह चित्र ही बिंब होते हैं। ओके, फिर उसके बाद आप छंद पे आ जाना, कि छंद क्या है भैया, छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं, छंद कविता के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, जब तक कविता लय नहीं पकड़ पाती तब तक ना तो कविता में रस की अनुभूति की जा सकती है और ना ही कविता का आनंद लिया जा सकता है। ऐसा करना, छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं, इसके बाद आप डायरेक्टली लिख देना कि छंद सॉरी जब तक कविता लय नहीं पकड़ पाती तब तक ना तो कविता में रस की अनुभूति की जा सकती है और ना ही कविता का आनंद लिया जा सकता है। ओके, लिख लो इसको फटाफट से कॉपी में, या फिर मैं इसको लिख लूंगा एक पेज पर और आपको सेंड कर दूंगा, कविता में बिंब और छंद के महत्व को, है ना। और फिर आप उसको ऐसा करना, उसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार आपको याद हो जाएगा। वैसे आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा कि भाई साहब बिंब क्या है, वही कि जब भी हम किसी कविता को सुनते हैं, पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, तो उनमें जो कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको सुनकर जब हमारे मन में कुछ चित्र उभरेंगे, कुछ इमेजेस बनेगी, तो उन्हीं को अपन बिंब कहते हैं, है ना। और उन्हीं के सहारे अपन कविता के जो भाव है ना, जो फीलिंग्स अपने को कविता के द्वारा शेयर की जा रही है, उनको रियलाइज कर पाएंगे, उनकी अनुभूति कर पाएंगे, फील कर पाएंगे उनको। ठीक है, ये चीज। वहीं छंद की बात करते हैं, तो छंद क्या है भैया, आंतरिक लय होते हैं, जब तक कविता लय नहीं पकड़ेगी तब तक क्या होगा, कविता में ना तो रस की अनुभूति होगी और ना ही कविता का आनंद लिया जा सकेगा, बस इतना आसान है। कहानी क्या है, कहानी का अपन ने ऑलरेडी कर लिया, इसको रहने देते हैं। समाचार के तत्व, समाचार के तत्व हैं यहाँ पर नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा, ये चीजें हैं। तो इसका एक काम करो, आप लिख लें इसको, बाद में भी आप इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको आपको पढ़ते रहना है। इसका भी देखेंगे, अगर कुछ ट्रिक वगैरह बन रही होगी तो इसकी भी अपन ट्रिक वगैरह याद कर लेंगे, बना दूंगा मैं और सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, बाकी अब इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पीडीएफ है, उसी में से देख लेना। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को याद कीजिए। देखो यार, ये चीज ना पूछी जाती है, जैसे अभी मैंने अजात शत्रु की बात करी थी, अपन ने अभी ऊपर देखा था है ना, रचना देखी थी अपने अजात शत्रु की। ठीक है, तो ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसकी कुछ यहां पर आपको पेज दिख रहा है, इस पेज में जितने भी हैं इनको एक बार आप पढ़ लेना, सिर्फ रीडिंग मार लेना, इतना ही इनफ होता है। जिसमें कम ज्ञान हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं भाई साहब, जिसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं उसको बोलते हैं अद्वितीय, है ना। अद्वितीय अपन बहुत बार यूज कर चुके हैं कवि परिचय और लेखक परिचय में, कि हिंदी साहित्य में आपका स्थान अद्वितीय रहेगा, है ना, ये चीज अपन ने बहुत पढ़ी है अपने उसमें कवि परिचय लेखक परिचय में। जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, अजात शत्रु। जिसको देखा ना जा सके, अदृश्य, है ना, जो बिना वेतन के काम करता, वेतनिक। जो संतुष्ट ना हो, असंतुष्ट। जिसे कोई जीत ना सके, अजेय। जो कम बोलता हो उसको क्या बोलेंगे अपन, अल्पभाषी।
कम का मतलब अल्प, ठीक है, बोलने हैं को अपन भाषी से रिलेट कर लेंगे, अल्पभाषी, जिसका अंत ना हो, अनंत, थोड़ा भोजन करने वाला अल्पभोजी, ओके, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ना रखता हो नास्तिक, है ना, यहां से ना रखने का भी पूछ सकते हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो उसको क्या बोलेंगे, ईर्ष्यालु बोलेंगे, ठीक है, जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ, चार मास का समूह क्या बोलेंगे, चौमासा, ठीक है, और जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसको क्या बोलेंगे, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं भैया आंक ही नहीं सकते वो, उसको क्या बोलेंगे अपन, अनमोल बोलेंगे, ठीक है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं अपन, जिज्ञासा, और जो इच्छा इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं अपन, जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है, फिर देखो जल में उत्पन्न होने वाला जलज, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसको क्या बोलेंगे, जितेंद्रिय, ठीक है, और संध्या के बाद और रात के पहले के समय को अपन बोलते हैं झुटपुटा, तो ये चीज आप याद रखना, बिकॉज मेरे ख्याल से ऊपर जितने भी हैं वो आपने पहले भी कभी ना कभी पढ़े होंगे और याद भी किए होंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा नया लग रहा हो, संध्या के बाद और रात के पहले के समय को हम कहेंगे झुटपुटा, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ऐसा होता है हमारे साथ कि ये जैसे इतना बड़ा पेज है, हम देखते हैं कि यार अनेक शब्द में एक शब्द अपन देखेंगे, हाँ ये तो अपने को पढ़े हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ ऐसे आ जाते हैं तीन से चार जो हमने कभी ना देखे हो ना पढ़े हो या फिर हमें याद ना हो, तो आप ना इन चीजों को पढ़ लिया करो, ये जो छोटी छोटी चीजें रहती है ना अपने वो एक एक दो दो नंबर की, ये कभी कभी अखर जाती है, ठीक है, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था, लेकिन उस केस को मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, जब अपना इंग्लिश का एग्जाम रहेगा उससे एक दिन पहले बताऊंगा, है ना, ऐसा होता है, जो एक एक नंबर की जो छोटी छोटी चीजें रहती हैं वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं आप लोगों के लिए, तो जानने की इच्छा देखेंगे अब हम, जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु होता है, और जानने की इच्छा रखना मतलब जिज्ञासा, ठीक है, जल में उत्पन्न ये सब अपने देख लिया है, जो तप करता है उसको तपस्वी बोलते हैं, बड़ी कठिनाई से मिलने वाले को दुर्लभ बोलेंगे, जो अधिक मुकदमा लड़ता है उसको बोलेंगे मुकदमेबाज, है ना, कम बोलने वाला मितभाषी, ज्यादा बोलने वाला, हाँ चलो ठीक है, कम बोलने वाला मितभाषी भी हो सकता है और अल्पभाषी भी हो सकता है, आपने भी ऊपर देखा अल्पभाषी था, यहाँ पे आ गया मितभाषी, ठीक है, अधिक बोलने वाला वाचाल, अधिक बोलने वाले को क्या बोलेंगे अपन, वाचाल, जिसका पति मर गया हो उसको क्या बोलेंगे, विधवा, जिसका पति मर गया हो उसको बोलेंगे विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलेंगे, विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलेंगे, विधुर, है ना, और इस विधुर का अगर अपन क्षेत्रीय शब्द देखें, चलो रहने दो वो फनी हो जाएगा थोड़ा, समझ गए होंगे आप, जो शाक का आहार करता हो उसे क्या बोलते हैं, शाकाहारी, जो शाक का आहार करता हो उसे बोलते हैं शाकाहारी, जो मांस का आहार करेगा उसे मांसाहारी, एक ही माता से जन्म लेने वाली संतान शदोहर कहलाती है, ठीक है, इसको याद रखना, आपको वहां पे भाई बहन नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, शदोहर, एक ही माता से जन्म लेने वाली संतान को क्या बोलेंगे अपन, शदोहर, सदोहर, इसको नोट डाउन कर लो, बाकी आपको याद रह सकती है, लेकिन ये चीजें थोड़ी थोड़ी कुछ हैं जो आपको नई सी लग रही होगी या फिर मुश्किल लग रही होगी या फिर लर्न करने में थोड़ी डिफिकल्टी फेस करने पड़ रही होगी, ठीक है, समय के अनुकूल, समयानुकूल, जो आसानी से प्राप्त हो जाता है उसको कहेंगे अपन सुलभ, ओके, अब देखो इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो 15 से 30 मिनट की होनी चाहिए, ठीक, तो ये था हमारा भाषा बोध का सेक्शन जिसको हमने आज कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। अब शाम को जो क्लास रहेगी रात को 8 बजे, उसमें अपन काफी सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, काफी सारी चीजों का कहने का मतलब मेरा यह है कि गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास अपन क्लियर कर रहे होंगे। 4 बजे अपनी रहेगी इंग्लिश की क्लास, तो 4 बजे आपको इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करनी है, उसमें हम कोशिश करेंगे आज की फ्लेमिंगो प्रोस पूरा कंप्लीट कर लें, फ्लेमिंगो का जो प्रोस सेक्शन है उसे पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है, और फिर विस्तार कंप्लीट करके हम अपनी ग्रामर को फिनिश कर दें, और इंग्लिश तो समझ लो फिर अपनी कंप्लीट हो जाएगी, पैसेज और नोट मेकिंग समरी जैसी चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा एक क्लास में, वो भी चीजें देख लेंगे, ठीक है, हाँ, तो अब अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं। अरे एक बच्चे ने साथ में को बोला था यार कुछ इससे रिलेटेड, अपने फॉर्मेट से रिलेटेड, तो ये देखो पत्र आ चुके हैं, वो दिख गए हैं, तो उनको भी एक बार देख ही लेते हैं अपन, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा अपना। देखो ये है अपने औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र यानी कि जो भी अधिकारी वगैरह को अपन लिखते हैं कामकाज के विषय में लिखते हैं वो होते हैं अपने औपचारिक पत्र, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति का पद लिखते हैं, प्रति श्रीमान निगमायुक्त महोदय नगर निगम जबलपुर मध्य प्रदेश, ये हो गया एक फॉर्मेट। इसके अलावा भी एक फॉर्मेट हो सकता है, कैसा होगा वो, आप उससे पहले आप अपना एड्रेस लिख दो, ठीक है, वो भी सही होगा, ये भी सही है, कुछ भी गलत नहीं है ना, ऐसी चिंता ना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो बॉडी होती है ना ये अपन काफी ज्यादा बड़ी लिख देते हैं, बॉडी जो है काफी बड़ी हो जाती है अपनी, अब बॉडी बड़ी होगी तो उससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, उससे इम्पेक्ट ये पड़ेगा कि
आपका जो पत्र है वो दूसरे पेज पर भी चला जाएगा, और ये चीज अपने को अवॉइड करनी है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कभी हम यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देते हैं, कभी नहीं भी लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी नेसेसरी हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप, आपकी जो कॉलोनी है उसका एक संघ है, ठीक है, कॉलोनी का कुछ ग्रुप सा बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन सा, और आप फिर किसी को भेज रहे हो, है ना, कलेक्टर को या फिर निगमायुक्त को, तो तब आप अपने यहाँ पर ऊपर भी लिख देना एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो ये चीजें हैं भैया। फिर क्या होता है विषय, ये चीज कितनी बार बताई थी मैंने आपको, क्विज में भी आपने गलती कर दी थी, कि औपचारिक पत्र जो होता है उसमें विषय लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अनौपचारिक में हम नहीं भी लिखें तो चल जाता है, ठीक है, बिल्कुल चल जाएगा, अनौपचारिक में विषय लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। पर मैंने लिख दिया था मेरी बोर्ड एग्जाम में 12th की, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। महोदय निवेदन है कि पिछले एक माह से जबलपुर शहर में जल की अनियमित आपूर्ति हो रही है, इसके कारण ये, चलो ये सब बॉडी रहेगी अपनी। बॉडी में अपन क्या करते हैं, पहले अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर अपन बताते हैं हमको हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं क्या था, आपसे प्रार्थना है कि भैया इसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दो, ठीक है। फिर लास्ट में अपन चाहे तो एक और लाइन लिख सकते हैं कि आशा है कि आप इसके ऊपर जल्द से तत्कालीन प्रभाव से एक्शन लेंगे या फिर कार्यवाही करेंगे, इस तरीके की चीजें अपन लिख सकते हैं। विनीत सभी निवासीगण जबलपुर मध्य प्रदेश दिवानांत, ये जो भी है वो आप डाल सकते हो। ये है फॉर्मेट का रोल भैया। और बात करें अपन इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्र की, तो अनौपचारिक पत्र भी हमारे पास यहीं पे है, ये रहा अपने सर, मित्र। हाँ बोलो। सर जो विनीत था वो नाम था ना किसी का, नहीं, विनीत का प्रयोग यहाँ पर या नाम के फिर रूप में किया गया है, अच्छा। जैसे भवदी करते हैं अपन, तुम्हारा मित्र करते हैं, इसी तरीके से हाँ विनीत का हाँ प्रयोग किया गया, ठीक है। ठीक सर, समझ गया। तो अपने मित्र कमलेश को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे, ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और अपना एड्रेस लिख दिया, देन आपने दिनांक डाल दी, फिर आप कर दो प्रिय मित्र कमलेश, है ना। जरूरी नहीं है ये जो अपना अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, इसमें सामने वाले का एड्रेस लिखना जरूरी नहीं होता है, कुछ मायने नहीं रखता, है ना। तो प्रिय मित्र कमलेश सप्रेम नमस्कार, और फिर हम कर देते हैं अपनी जो भी चीजें शादी में इन्वाइट कर रहे हैं, तो बस यही बताएंगे कि यार अपने बड़े की शादी है, आना है, 13 तारीख को शादी का प्रोग्राम रखा गया है ना, 11 तारीख से कार्यक्रम वगैरह चालू हो जाएंगे, तो भाई तुम पूरी फैमिली के साथ आना यार, और ऐसा करना 11 से पहले ही आ जाना, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और अपन आनंद ले पाएंगे। वैसे पत्र से किसी को इनविटेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे हिंदी में अभी तक ये चीज़ें चलती हुई आ रही है, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे, और क्योंकि मार्क्स कैरी करते हैं 4 नंबर, तो वो भी मायने रखते हैं अपने लिए, ठीक। तो बस आपको समझना है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं अगर अपने फ्रेंड को किसी चीज़ के लिए इन्वाइट करते, तो आप कैसे करते हैं, बस वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, बस जो आपकी लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा हिंदी में लिखना होगा, ठीक है, जो अपनी नॉर्मल सी भाषा है, जो अपन दिन रात प्रयोग करते हैं, जो नॉर्मल बोलचाल है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, है ना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो अनौपचारिक पत्र होता है इसमें जो अपनी लैंग्वेज होती है, हम इतनी ज्यादा सटीक हिंदी नहीं भी लिख पाए तो भी अपना काम चल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अपनी नॉर्मल आम बोलचाल है वही अपन यहाँ पे बोलने लग जाए, ठीक है, जैसे तेरे को मेरे को ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं जमेगी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कहीं पे, मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 13 फरवरी को संपन्न होना है ना, संपन्न होना है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये तारीख तय की गई है, लेकिन इतनी ज्यादा हिंदी लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन्होंने लिख दिया कि भैया 13 फरवरी को तय होना है, ठीक है, ये चीज सॉरी सॉरी 13 फरवरी को संपन्न होना है ना। तो ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ी थोड़ी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग कर लोगे तो चल जाएगा। इसके अलावा जब आप अपने किसी भी घर वाले को, यानी कि आप मान लीजिए बाहर रहते हैं, घर पे आप लेटर भेज रहे हैं भाई को, बहन को, पिताश्री को, तब क्या होता है, तब ये होता है कि हम पहले हेल्थ से रिलेटेड बातचीत करते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे तो वैसे हेल्थ से रिलेटेड चीजें लिखी नहीं गई है, लेकिन आप लिखिएगा उससे अलग ही इंप्रेशन रहता है। कल ही माँ का पत्र प्राप्त हुआ, ये चीज अलग है, ठीक है। जैसे ये लिखिए पिताजी को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे आप चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहां पर ठीक ठाक होंगे, सकुशल होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे की चीज लिखो, आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ है, यह मेरा पहला अवसर है जब मैं घर से अलग हुआ हूँ, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी को आप लिख दोगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फैमिली के बारे में, फैमिली के प्रति फीलिंग्स और प्रेम अपने को यहाँ पर जाहिर करना होता है अपने अनौपचारिक पत्र में, ठीक है, इनमें भी किया गया है, दिखाता हूँ मैं आपको, एंड में होता है, एंड में तो होता है, स्टार्टिंग में अगर इन्होंने नहीं किया तो क्या होगा, ये देखो, मेरा मन भी यहाँ नहीं लग मेरा मन भी यहाँ लग गया है। इसके आगे देखो, क्रिसमस की छुट्टियों में मैं घर आऊंगा, यहाँ पे देखो माँ को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार देना,
ठीक है। तो ये चीजें होती हैं फैमिली रिलेटेड, अपने को यहां पे चीजें लिखनी होती है, फैमिली के प्रति प्रेम अपने को दर्शाना होता है। ठीक, यहां पे देखो दादाजी को मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना, है ना। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे अनौपचारिक पत्र में। तो आई थिंक अब जो भाषा बोध का सेक्शन है वो अपना आई थिंक क्या हो ही चुका है। अब जरूरी ये है कि यार आप इसका एकदम रिवीजन करें अच्छे से तबीयत से। आज की जो क्लास है देखो, अपने लगभग 2 घंटे तक आज की क्लास लगाई है, और रात में भी और लगाएंगे अपन 8 बजे, ठीक है। तो हो सकता है किसी के पास तो नेट वेट का भी इश्यू आने लगा हो कि यार भयंकर नेट नहीं चलेगा। बाकी आपकी कितनी एमबी कितनी लगती है क्लास में, कोई बताएगा मुझे? एक क्लास में, 1 घंटे की क्लास में कितना कितना नेट लग जाता है आपका? लगभग 150 MB सर। 150 MB एक क्लास में। हाँ फिर तो इजीली हो जाएगा, ठीक है, फिर तो आपका हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ठीक है, नहीं है। सर विज्ञापन हाँ लेखन, विज्ञापन लेखन में सर कैसे? देखो जो विज्ञापन लेखन है ना, उसी के आपको अथवा में संवाद लेखन देखने को मिल जाएगा, है ना। बहुत अच्छा चांस है कि ओके सर। आपको संवाद लेखन उसी के अथवा में देखने को मिलेगा, और हम संवाद लेखन ऑलरेडी कर चुके हैं। कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? यस सर। ओके। और विज्ञापन पे अगर दे दे तो जैसे अपन ने विज्ञापन बनाना भी आसान होता है। जैसे अपन देखते हैं चौराहों पे बोर्ड बोर्ड लगे रहते हैं कि भाई ये कोचिंग है, वो कोचिंग है, यहाँ पे ये आना है, वो आना है, बस इस तरीके से विज्ञापन बनाया जाता है। आप में से किसी ने भेजा था मैं कोई विज्ञापन का पुस्तकालय का? ठीक है, तो बस वही चीजें अपन वहां पे लिख देते हैं। इतना ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा करो कि अगर हमें एक विज्ञापन बनाना होता है, हमें एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है, तो हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो उसी चीज को आप वहां पे फॉलो करोगे। वैसे चांसेस यही हैं कि उसके ओवर में आपको संवाद लेखन देखने को मिलेगा, ठीक है ना।